जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल है शिवम, तो अगर ट्रैफिक रूल है तो हम ट्रैफिक रूल को फॉलो क्यों करते हैं? नो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द ट्रैफिक रूल एंड दैट इज नो फॉलो ऑफ द ट्रैफिक रूल ऑफ स्टेट। अगर ट्रैफिक रूल अगर हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं करता है तो हम ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे। क्लियर? तो अगर ट्रैफिक रूल, तो हम वाई द नीड्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मैन, तो उस समय नीड्स क्या थी हमारी? आप लोग को समझ में आ रहा है? 1947 में द नीड्स ऑफ इंडियन पब्लिक, वाई द नीड्स ऑफ द इंडियन पब्लिक, आपकी नीड्स क्या थी 1947 की मैं बात कर रहा हूं। द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी in 1947 आज शोषित नहीं है मिस्टर शिवम? आज भी आपके फादर आपका शोषण करते हैं, आज भी आपके बड़े भाई आपका शोषण करते हैं, आज भी समाज का बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आपका शोषण करता है कि नहीं? आज पुरुष महिलाओं का शोषण करता है कि नहीं? तो इनके लिए 1947 और 2023 का क्या डिफरेंस है? अंग्रेज अगर लॉ मेकिंग नहीं थे तो अंग्रेज 200 वर्षों तक भारत पर शासन कैसे किए संप्रभुता के साथ? तो अगर संप्रभुता के प्रभुसत्ता के साथ लॉ मेकिंग नहीं था है? इंडिया इज नॉट सॉवरेन स्टेट बट इंडिया इज द कॉलोनियल स्टेट। क्लियर? बोलिए, समझ कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए। क्या अब इसके लिए एक कमेंट लिख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर का, हिंदी में कमेंट है, थोड़ा सा लिख लीजिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे आपका। संविधान को लागू करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह विचार दिया कि इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक आर्थिक विषमताओं विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
जिस राजनीतिक लोकतंत्र की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नोन एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इक्वल टू वन मैन एंड वन वोट. पॉलिटिकल राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र किसे कहते हैं नितिन? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नोन एज वन मैन एंड वन वोट. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसका मतलब, एक मिनट अभी मैं आपको क्लियर करता हूं क्या लिखा है. स्थापना करता है जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी. जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, क्लियर? अब इसको पढ़िए और नेचर बताइए कि 1947 में इंडियन सोसाइटी का नेचर कैसा था. इंडियन सोसाइटी का नेचर है सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन या विषमता, डिस्क्रिमिनेशन आर्थिक विषमता है इज इक्वल टू लैंड होल्डर सिस्टम. जमींदारी व्यवस्था थी कि नहीं? जमींदारी व्यवस्था में लैंड ओनर सम पर्सन एंड मैक्सिमम पर्सन इज द लैंडलेस पर्सन. जमींदार लोग थे, क्लियर हो गया कि नहीं? तो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं? नहीं, अभी भी नहीं समझ. ठीक. एंड अब दूसरा पहलू है, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन राइज करूं कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है? हैं? क्या पढ़ा था? हाँ, इलेक्शन से आएगा. एनी मीन्स कि जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर डेमोक्रेसी होगी. बताइए, जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी? जरूरी नहीं. ठीक. अब थोड़ा सा आपको हम दो चीजें था, डेमोक्रेसी को हम ये दो व्यू हैं. ठीक. एक शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव है, एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव है. ठीक. एक संक्षिप्त दृष्टिकोण है और एक
वाइड दृष्टिकोण। संक्षिप्त दृष्टिकोण का जो शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव है वह है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट। आर गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर गवर्नमेंट। क्लियर? सुनिएगा। एंड सेकेंड, जो वाइड प्रोस्पेक्टिव है या जो वाइड कंसेप्ट है वह है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। क्लियर? मतलब समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी का यह कंसेप्ट वाइड कंसेप्ट पर है, वाइड प्रोस्पेक्टस पर चलते हैं। नितिन, हाउ कैन डिफाइन एंड दीज क्लास आर द डेमोक्रेटिक क्लास? तुम कैसे डिफाइन करोगे यहां पर जो लोग बैठे हैं, इस क्लास में जो लोग बैठे हैं, यह क्लास डेमोक्रेटिक क्लास है? हाउ कैन डिफाइन माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली? हाउ कैन डिफाइन माई सोसाइटी इज द डेमोक्रेटिक सोसाइटी? हाँ, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं होगा? शिवम, कुछ समझ भी आ रहा है आप लोग को? एक एग्जाम्पल दें आप लोग को। अन्यथा मत लेना आप लोग। दो फादर को देखो, अब उसमें आपके फादर कौन से हैं यह आप लोग डिसाइड करिएगा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। दो फादर को देखिएगा। क्लियर? एक फादर ऐसा होता है कि जब कुछ उससे कहने जा, ए चुप रहो, तो तुम क्या कहते हो? माई फादर इज हिटलर, कहते हो कि नहीं? है? होता है ऐसा? सेकेंड एस्पेक्ट आइए, एक फादर या हेड ऑफ द फैमिली ऐसा भी होता है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर पूछता है आपका व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है, और तब कहते हो कि माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली, कहते हैं कि नहीं? माई फैमिली इज द लिबरल फैमिली, कहते हैं कि नहीं? है कि नहीं? अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो जब सबसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तो यहां पर क्या चीज है? दो चीजें। फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वलिटी एंड सेकेंड इज इक्वल टू लिबर्टी। फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वलिटी एंड सेकेंड इज इक्वल टू लिबर्टी। यह क्लास लोकतांत्रिक इसीलिए है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग समान हैं और सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, एंड दैट क्लास इज द डेमोक्रेटिक क्लास। अब समझ में आई बात? ठीक, समाज में रहने वाले सभी लोग अगर समान हो, ठीक, समान हो और सभी लोग स्वतंत्र हों, तब कहेंगे कि भाई सोसाइटी इज द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसलिए इलेक्शन इज नॉट कंपल्सरी
इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वलिटी एंड लिबर्टी. ठीक. अब सोचिएगा एक सिचुएशन अब आपको और रख रहा है. ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. क्लियर. बहुत एक समझ लीजिए कि इतना बड़ा वाइड कंसेप्ट इस पर चलेगा कि बहुत कुछ प्रूफ करेंगे आप. हम एक ही पॉइंट नहीं प्रूफ कर रहे हैं इस पर. ये समझ लीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट होगा सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. ठीक. अभी सेंटेंस अंबेडकर का कमेंट लिखे हैं. एनी मींस ऑब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी एंड देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. क्लियर. अब इस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं. इस सिचुएशन को समझिएगा. ये इंडियन सोसाइटी है. ठीक. इंडियन सोसाइटी. और इंडियन सोसाइटी क्या थी 1947 में. इंडियन सोसाइटी इज द ट्रेडिशनल सोसाइटी. क्लियर. ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब वर्ण व्यवस्था पर था, जाति पर था, धर्म पर था, ये सब बेस. कंजर्वेटिव सोसाइटी. क्लियर. यहां था. एंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कंजर्वेटिव सोसाइटी इज द प्रेजेंस इन इंडियन सोसाइटी इज द अनइक्वलिटी. क्लियर. एंड दैट सेकेंड पार्ट क्लियर. एंड इट्स कॉल्ड टू पॉलिटिकल सिस्टम. क्लियर. एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी. या पॉलिटिकल सिस्टम इज द सिंबल ऑफ सोसाइटी. क्लियर. पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम इज सिंबल ऑफ सोसाइटी और सोशल सिस्टम. क्लियर. जस्ट लाइक नितिन, अगर मैं ये अपना चेहरा इतना काट दूं, इतना काट देता हूं, तो मुझे डिफाइन कर सकते हो कि ये बॉडी मेरी है. नहीं कर सकते. एंड दैट फेस इज द सिंबल ऑफ बॉडी. क्लियर हो गया. फेस इज द सिंबल ऑफ बॉडी. क्लियर. समझिएगा थोड़ा सा. इस पॉलिटिकल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली